को इंडिया वापस जाना पड़ा था, इवन कि मैं इंडिया वापस जाके भी जब मन करे अपनी पीआर ले सकता हूं। तो मैंने सोचा कि जैसे ही 15 लाख इकट्ठे होंगे ना मैं वापस चला जाऊंगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर भाई बिना किसी तरीके का फिल्टर लगाए एक रो वीडियो बनाने वाले हैं, जिसके अंदर अपने तीन अलग अलग पर्सन की ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो ऑन कैमरा कभी हमने नहीं करी, जिससे कि आपको कनाडा के इमिग्रेंट्स की लाइफ के बारे में थोड़ा सा और आइडिया हो सके। तो इसलिए गाइस अब बिना टाइम को वेस्ट करें, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो अभी स्टार्टिंग करते हैं अपने जनवरी इनटेक वाले स्टूडेंट से, जो कि अब स्टूडेंट नहीं है, अब तो पीआर हो गए हैं। सबसे पहले आप अपनी इनिशियल स्टोरी बताओ कि जनवरी इनटेक में जो बच्चा आ रहा है उसका आते ही एक्सपीरियंस कैसा होगा? सही होगा भाई, जैसा भी हो रहा है। बहुत ठंड होती है भाई, बहुत ठंड। जब मैं नया नया आया था ना, मैंने तो डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया था, इतिहाद पैर सब ऐसे ब्लू हो जाते थे। बाकी फिर फ्रॉस्ट बाइट वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये जो आइस देख रहे हो आप नीचे, इसे कहते हैं ब्लैक आइस। तो ये लगती गुड है, बट जब आप इस पे जाते हो तो स्लिपरी बहुत ज्यादा होती है, इस पे गाड़ियां भी स्लिप हो जाती हैं। और स्लिप होके खुद भी गिर सकते हो, कार का भी एक्सीडेंट हो सकता है। अभी करंट क्या जॉब कर रहे हो और आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? अभी मैं एक कंपनी में एज ए सिस्टम एनालिस्ट जॉब कर रहा हूँ। मैं पहले दिन एक फैक्ट्री में गया था, 3 घंटे की थी और मैं इमरजेंसी अलार्म बजा बजू के भाग गया था, जॉब ही नहीं मिली। उसके बाद 3 महीने तक ऐसे ही रहा, क्योंकि थोड़ा ड्राई रहता है यहाँ पे विंटर्स में, प्रोडक्शन लो हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग लो हो जाती है वगैरह की। तो ये चीज भी है कि जनवरी इनटेक में जब बच्चा आता है ना, आगे अपने मई और सितंबर की भी बात करेंगे, तो जॉब्स उस टाइम कम होती है। एक तो विंटर्स और ऊपर से जॉब्स कम, तो फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना जनवरी इनटेक वाले स्टूडेंट्स का, वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड होता है, राइट? अकोमोडेशन फ्रीज हो जाती है, जॉब्स फ्रीज हो जाती है, लोग मूव नहीं करते हैं, घर मिलने में दिक्कत आती है। जब मैं नया नया आया था ना, तो मेरे उस टाइम अराउंड 15 लाख लगे थे सब कुछ कर कर आगे। इतना ज्यादा लोनली फील करता था यहाँ पे कि मुझे लगा था कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। मैंने अपने घर वालों से बात करी, मेरे घर वालों ने मुझे बोला चल ठीक है 15 लाख इकट्ठे कर और वापस आ जा। तो मैंने सोचा कि जैसे ही 15 लाख इकट्ठे होंगे ना मैं वापस चला जाऊंगा। तो अब तो भाई पीआर वीआर सब हो गए, तो गए क्यों नहीं आप वापस? 15 लाख अभी तक जुड़े नहीं। तो चक्कर में पीआर हो गया। अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, एक दिन आऊंगा, 15 लाख जब जुड़ जाएंगे वापस आ जाऊंगा। तो वैसे ये हंसने की बात नहीं है, ये भी बहुत इधर की रियलिटी है कि पीआर सब कुछ नहीं होती। अपने अभी आगे भी बात करेंगे, पर पीआर के चक्कर में बहुत से लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं, उसकी भी अपने आगे बात करेंगे। प्लान करके आओ कि वहाँ जाने के बाद आपको अपने कोर्स के अलावा क्या करना है, क्योंकि वही चीजें मैटर करती हैं। जो चीजें आप इंडिया से प्लान करके आओगे, फिर आप उसमें अपना कुछ फ्यूचर देखोगे, अपना थोड़ा होमवर्क करोगे। आपके क्या फ्यूचर प्लान है? जाना तो बिजनेस में ही चाहता था, कुछ ऑप्शन देख रहा हूँ, पीआर हो गया तो एक तरफ से रिलीफ हो गया। मेन जो यहाँ इंपॉर्टेंट रहता है इनिशियल स्टेज पे, जो आपको जॉब्स एक्वायर करने में हेल्प करता है, वो आपके स्पीकिंग स्किल्स, क्योंकि इन द एंड यहाँ पे आपका जो रेज्यूमे है वो इतना मैटर नहीं करता जितना आप जो बंदे से कन्वर्सेट बात करते हो, रेफरेंसेस बनते हैं, जॉब्स में भी हेल्प होती है। अभी आप जो जॉब कर रहे हो वो रेफरेंस से थी या आपने फाइंड करी थी? मैंने इंडीड पे फाइंड करी। तो जैसे कम्युनिकेशन और स्पीकिंग की बात चल रही है तो यहीं पे बता दो फिर क्या आज के स्पॉन्सर्स की। ओके, तो गाइस यहीं पे अपने बात करते हैं आइल्स वार्ता। इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये AI पावर्ड है। दैट मींस आप अपना इंग्लिश का जो स्पीकिंग स्कोर है आइल्स के अंदर, वो इंस्टेंटली ऐप के थ्रू चेक कर सकते हो। जब भी ऐप ओपन करोगे आपको फ्री क्यू कार्ड्स मिलेंगे, आप उन क्यू कार्ड्स पे बोल के अपनी वॉइस जो है रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड देन ऑटोमेटिकली AI जो है आपका स्पीकिंग का बैंड बताएगा आपको। सो थाउजेंड्स ऑफ क्यू कार्ड टॉपिक्स आप इस ऐप के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो, और साथ में लॉन्ग टर्म डेली यूज करने के लिए आप इनके सब्सक्रिप्शन प्लान भी चेक कर सकते हो, जो कि क्वाइट अफोर्डेबल भी है। सो गाइस सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आज ही जाके आप एक बार ये ऐप जरूर ट्राई करें। अब अपने बढ़ते हैं वापस से वीडियो के अंदर। सो अभी अब चलो अपने आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेन टेक के बारे में। मेन टेक में आने के भी बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल समर्स में आया था मैं सीधा, जॉब्स की ओपनिंग हर जगह थी, वेदर बहुत अच्छा था, और वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो मेरा जो पहला इंप्रेशन था ना कनाडा को लेके, वो बहुत अच्छा था, जो परमानेंटली मेरे दिमाग पे अभी तक है। तो तीनों जो स्टोरी चलने वाली है उसके अंदर अपने कुछ स्पेशल पॉइंट्स पे भी बात करेंगे। अब मेरे केस के अंदर अपने कैटेगरी बेस्ड ड्रॉस की बात करेंगे, क्योंकि मेरी लाइफ के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो बहुत से लोगों को पता होगा कि मैं जब से कनाडा आया हूं मैंने शुरू से गैस स्टेशन पे काम किया है। लास्ट ईयर मेरी जॉब चली गई थी, मैं इंडिया भी चला गया था। उसके बाद जब मैं हिम्मत करके कनाडा वापस आया ना, तो कनाडा ने उस टाइम बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप जाके वो पुरानी वीडियो देख सकते हो। कनाडा के अंदर कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर आप किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपकी जो फाइल है वो सेपरेटली उठती है लो CRS स्कोर पे। और जिन्हें नहीं पता, मैंने इंडिया में बैचलर्स ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन कर रखी है, मैं आयुर्वेद फिजिशियन हूं, तो मेरे को इन सब चीजों को पता जरूर चल गया था। पर अक्टूबर के अंदर एक ड्रॉ आया था जिसका कट ऑफ आप देख सकते हो, तब मेरी आंखें ढंग से खुली कि इस ड्रॉ के अंदर तो बड़ी इजीली अपने निकल के पीआर ले सकते हैं। सो जितनी भी वो पीआर को लेके भागदौड़ चल रही थी ना, वो उस मोमेंट पे मेरी बिल्कुल बंद हो गई थी। और ये चीज हम शुरू से सुनते भी आए हैं, पीआर लेने के बाद ना आपको कोई घर बैठे अच्छी सी नौकरी या बिजनेस देके नहीं जाने वाला कोई, आपको सेम वही हसल सेम स्ट्रगल वापस से करनी है। सो बहुत से लोग मेरे से पूछते भी हैं कि अभी मेरा क्या स्टेटस चल रहा है, मेरे क्या प्लान्स हैं। बंदा कुछ हेल्थ इश्यूज से, कुछ पर्सनल इश्यूज से निकल रहा होता है, और मेरा जो प्राइमरी फोकस है वो पीआर से हटके बहुत उसके आगे निकल चुका है। अब फॉर एग्जांपल मैं स्टिल अभी भी गैस स्टेशन पे काम कर
कर रहा हूँ और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। हमने पहले भी बात करी है कि खुद का बिजनेस लेना है, गैस स्टेशन की लाइन में आपको आना है, तो आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और साथ में सारे बिजनेस की इन डेप्थ नॉलेज भी होनी चाहिए। तो इसलिए स्टार्टिंग में जो आप स्टडी करने आते हो उसके बाद पीआर का जो प्रेशर होता है ना अपने दिमाग पे, उस प्रेशर के चक्कर में हम कभी सोच ही नहीं पाते कि हमें लाइफ में आगे क्या करना है। बट जिस टाइम ये पीआर का भूत आपकी आंखों के आगे से निकल जाता है ना, फिर आपको एक रियलिटी पता चलती है कि भाई कनाडा में सरवाइव करने के लिए स्टिल आपके वही खर्चे हैं, आपकी एज जो है वो बढ़े जा रही है, आपको कल को घर भी चाहिए, फैमिली भी स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आई एम 28 ईयर्स ओल्ड, मेरे ऐसे भी बहुत से दोस्त हैं जिनका खुद का घर है, दे हैव किड्स एंड वेल सेटल्ड लाइफ। अब कई बार लोगों से सुनने को मिल जाता है कि यार तू तो सही है, मजे कर रहा है, अभी तेरे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पर अगर मैं सारी चीजें आज के टाइम में भी एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ तो उसके पीछे भी मेरे को बहुत बड़ी कॉस्ट देनी पड़ रही है। सो भी अब अपने बात करते हैं सेप्टेम्बर इनटेक वाली स्टोरी जो की तनी सर बताने वाले हैं। तो इनकी स्टोरी के अंदर भी बहुत सारे अप एंड डाउन आए हैं, कनाडा की हेल्थ केयर रियलिटी के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताएंगे और पीआर का स्टेटस आपका कितना क्रिटिकल हो जाता है, आपका वर्क परमिट कितने टाइम में एक्सपायर हो रहा है, 6 महीने में, 6 महीने में, और क्या आपकी पीआर होगी अभी नहीं, तो इस चीज के ऊपर भी अपने बात करेंगे। तो सर सबसे पहले आप ये बताओ कि सितंबर इनटेक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, वेदर को लेके और सारी चीजों को लेके? अच्छा ही रहा था, फॉल वगैरह का सीजन था, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी। कॉलेज कौन सा था आपका? कॉलेज था लैम्पटन मिसिसागा। क्या बात है, वहाँ पे तो मैंने सुना है क्लासेस भी ठीक ठाक ही लगती है। सितंबर में अगर कोई बच्चा पढ़ने आ रहा है कनाडा तो उसको किस तरीके का वेदर फेस करना पड़ता है? आप नॉर्मल एक विंड चीटर डाल के भी बाहर जा सकते हो, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। स्टार्ट होता है दिसंबर से हार्श होना, अभी जैसे जनवरी है तो इस टाइम -2 है टेम्परेचर। फॉल सीजन में आने का ये भी फायदा है, कलर्स लीव्स के चेंज होने लगे, सारा कुछ बहुत बढ़िया। आपके स्टडी टाइम में आपको बहुत हेल्थ रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़े थे और आपको इंडिया वापस जाना पड़ा था इवन, तो वो थोड़ा सा शॉर्ट में आप बताओ ताकि लोगों को ये साइड भी कनाडा की पता चल सके। थर्ड सेमेस्टर खत्म हो गया था, मेरे स्टमक पेन वगैरह होने लग गया नॉर्मल, वैसे ही जैसे डॉक्टर के पास गए, अपना इंश्योरेंस होता ही है स्टूडेंट इंश्योरेंस, तो उससे पैसे नहीं लगे, आपके पैसे नहीं लगते, मेडिसिन के भी नहीं लगे, सब फ्री होता है, इंश्योरेंस में कवर्ड होता है सब कुछ। वो 2-3 दिन में फर्क पड़ा और मेरी कंडीशन ज्यादा वर्स हो गई, यहाँ पे सब मेरे स्वेलिंग आ गई और मैं कुछ खा नहीं पा रहा था, तो मेरे को फिर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, इटोबिकोक वाले में गया था मैं, जो इटोबिको वाला मेन हॉस्पिटल है, राइट। इमरजेंसी में जाके आया था, पहले तो पूछा नहीं, बैठे रहते, फिर मैं उनको बोलने लग गया कि मेरे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। वो डॉक्टर आया, उसने मुझे नॉर्मल चेक किया तो वो कहता कि दूसरा डॉक्टर आएगा स्पेशलिस्ट स्टमक का जो चेक करेगा तुझे। इतने में नर्स वगैरह आई, मेरी हालत खराब हो रही थी तो उसने मुझे ग्लूकोज वगैरह की ड्रिप लगा दी। फिर वो स्पेशलिस्ट आया, वो इंडियन ही था डॉक्टर अपना, उसने मेरे को चेक करना स्टार्ट किया तो मैंने कहा मेरे पेन हो रहा है यहाँ से, मतलब पूरा यहाँ पे। वो कहता कि शायद अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो सकती है, तो बंदा वहाँ पे वैसे ही डर जाता है, अकेला किसी को आने अलाउड होता नहीं, और अपेंडिक्स में तो फिर वो ऑपरेशन से रिमूव भी करवाना पड़ता है, तो टेंशन तो बढ़नी है बंदा। अकेला बंदा, मैं डर गया वहाँ पे, और फिर उन्होंने मेरे को ले जाके मेरा अल्ट्रासाउंड किया, उसमें भी कुछ नहीं निकला, इन्हें पता ही नहीं चल रहा था, पता ही नहीं चल रहा था। और अभी तक 4 से 5 विजिट अलग अलग जगह हो चुकी थी और मेरे को 8 दिन हो चुके थे यही, मतलब बेड पे बैठे हुए, मैं काम पे नहीं जा रहा था, क्लासेस नहीं लगा पा रहा था, कुछ खा तो पा ही नहीं रहा था। फिर शाम को ऐसे हुआ कि बस बहुत हो गया, अपनों ने कराई इंडिया की टिकट और पहुंच गए। और आगे की स्टोरी मैं बताता हूं आपको, विद इन 3 डेज आपका इशू रिजोल्व हो गया इंडिया जाते। 3 डेज में सही हो गया। भाई के प्रॉब्लम पेट में कहीं पे थी नहीं, मैं आपकी जो नर्व एंडिंग्स होती है ना उससे कभी कभी आपको सेंसेशन चेस्ट तक आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि नर्व्स जो होती है वो ब्रीदिंग एंड ऑल सारी चीजें कंट्रोल करती है अपनी, तो इधर इनको पता ही नहीं चल रहा था, ये अलग ही जगह ढूंढ रहे थे। और इंडिया जाके अपने सीटी स्कैन MRI 1 सेकंड में करवा सकते हैं और 1 मिनट में नब्ज पकड़ में आ जाती है कि ये प्रॉब्लम है बंदे को। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि कनाडा के अंदर रुक के आप पेन के अंदर 6-6 महीने बैठे रहते हो, आपका डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता। अगर आपने कोई स्कैन करवाने है, स्पेशलिस्ट को मिलने है, हफ्ते हफ्ते की महीने महीने की वेटिंग रहती है, और बंदा इंडिया जाके 1 सेकंड में सारे टेस्ट करवा के और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा के 15 दिन में तो वापस हो रहा जाता है। तो भाई मैंने तो ये सोच लिया अब दोबारा कोई दिक्कत हुई तो अपने तो इंडिया ही जाएंगे, इंडिया के डॉक्टर बहुत बढ़िया है। और साथ में अपने पीआर रिलेटेड भी बात करते हैं क्योंकि चीजें बहुत क्रिटिकल चल रही है। सबसे पहली चीज सर, आपका स्कोर कितना है इस टाइम CRS? मेरा अभी चल रहा है 509। अभी मैं IELTS पे थोड़ा और वर्क करने का ट्राई कर रहा हूँ, मेरा इंप्रूव हो के 520 के आसपास हो जाएगा। अब IELTS के बैंड से भी बहुत फर्क पड़ता है, अगर आपके 6.5 बैंड है और अगर आपके 7 बैंड है तो इसके अंदर भी पॉइंट्स का इतना खतरनाक डिफरेंस आ जाता है ना। तो जब भी मैं आपको वीडियो में बताता हूँ ना कि मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिनके PR में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रखी है क्योंकि CRS स्कोर बहुत ऊपर चल रहा है, तो वही देखो सर का भी एग्जांपल है। सर होपफुली कट ऑफ नीचे आएगी क्योंकि अब नए साल के ड्रॉ स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि पिछले साल के कोटा उनका पूरा हो गया था। सो पिछले साल भी लगभग 500 से नीचे एक बार आया था स्कोर और अभी शायद 550 के राउंड चल रहा है, राइट? 546 गया लास्ट। तो इसीलिए भाई कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज की जो मैं बात करता हूँ हर बार, अब आपको उसकी वैल्यू समझ आ रही होगी कि जनरली जब अपने फाइल लगाते हैं उसमें आज के टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, राइट? बहुत हाई स्कोर है अभी, पता नहीं करना भी है कि नहीं। ना करेंगे सर, हौसला रखो। तो गाइस
कंक्लूजन अपने बात करते हैं, इस वीडियो में आपको क्या समझ आया कि हर बंदे की स्ट्रगल जो है ना वो डिफरेंट होने वाली है। तो जनवरी इनटेक में जो पर्सन आया था उसकी हमने बात करी, उन्होंने बताया नहीं उनकी पीआर टीआर टू पीआर से हो गई थी, बट पीआर इजीली मिलने के बाद भी उनके लाइफ के जो चैलेंजेस हैं वो कभी खत्म नहीं हुए। उसके बाद मैंने आपको पर्सनली भी खुद के एक्सपीरियंसेस बताए। लास्ट ईयर तक मेरे को पीआर की बहुत ज्यादा टेंशन रहती थी, और उसके बाद आज का टाइम है कि मैं इंडिया वापस जाके भी जब मन करे अपनी पीआर ले सकता हूं, और अभी भी मेरे पास 2 साल से ऊपर का वर्क परमिट भी पड़ा है, बट स्टिल मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं चैलेंजेस हैं वो खत्म नहीं हो रहे। और उसके बाद हमने सितंबर इनटेक वाले स्टूडेंट की भी स्टोरी की बात करी कि किस तरीके से पीआर के पीछे ऑलमोस्ट 3 साल का वर्क परमिट खत्म होने वाला है और वो पर्सन अपनी लाइफ में अभी आगे के प्लान्स बना नहीं पा रहा, ही इज स्टिल होल्डिंग ऑन कि उसकी पीआर हो सके। तो गाइस इन सब चीजों से आपको क्या समझ आता है कि सिर्फ कनाडा पहुंचना ही सब कुछ नहीं होता, पीआर लेना ही सब कुछ नहीं होता, आपको बहुत सारी चीजें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अपने माइंड में लेके चलनी पड़ती है और बहुत सी चीजें प्लान आउट करके रखनी पड़ती है कि अगर ये चीज ऐसे नहीं होती तो उसके लिए आपके पास क्या बैकअप प्लान है। तो गाइस ऑन कैमरा सबको लगता है कि सामने वाले की लाइफ कितनी ब्यूटीफुल होगी, बट रियलिटी किसी को नहीं पता होती। मैं खुद पर्सनली भी 2-2, 3-3 डिफरेंट जॉब्स करके अपने जो सपने देख रहा हूँ उनको पूरा करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो इसलिए गाइस कभी भी लोगों की बातों में मत आना, लोग आपको बहुत बोलेंगे, लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे कि ये पता नहीं क्या कर रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। आपकी जर्नी आपको पता है, आपके गोल्स आपको पता है, तो बड़े केयरफुली सारी चीजें प्लान करके डिसाइड करके अपनी बस मेहनत करते जाओ। और बाकी कोई भी बात इस वीडियो की अगर आपको अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो ये सब कुछ था गाइस आज की वीडियो के अंदर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।